अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऑनलाइन मॉल में खुश आमदीद कहेंगे। ऑनलाइन मॉल आज आपके लिए लेकर आया बिल्कुल न्यू लेटेस्ट स्मार्ट वॉच, जिसका मॉडल नंबर है DD100 Pro Plus। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके पुराने वर्जन DD100 स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करी थी, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कुछ नया क्या दिया है। इसकी बॉक्सिंग की अगर बात की जाए, इसकी बॉक्स जो है वो सेम पुराने वाले जैसा आया था, सेम एज इट इज़ उसी की तरह दी गई है। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको DD100 Pro Plus पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बीच में वॉच बनी हुई देखने को मिलती है। और अगर यहाँ बात करी जाए तो यहाँ इसकी ऐप का नाम पढ़ने को मिलता है, Wear Pro। और इसके अलावा अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर आपको चिपसेट वगैरह देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कौन सा चिपसेट यूज़ हो रहा है, जो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या ऐसा नया दिया गया जो दूसरी इससे पुरानी वाली वॉच में नहीं देखने को मिलता था DD100 में। तो चलिए वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसमें ब्लैक कलर, लास्ट टाइम हमारे पास गोल्ड कलर था। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे हम इसका बॉक्स रिमूव करेंगे तो हमें सिंपल बॉक्स तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। ऊपर का जो हेड है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वॉच रखी हुई देखने को मिलेगी। इससे पहले इस किस्म की पैकिंग आपको IW 22 Plus 22 Pro में देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको वॉच देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस वॉच के जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें कितने कलर्स आते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत पैकिंग है। तो जैसे हम इसकी पैकिंग ऊपर से ये रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पर अपनी वॉच डिवाइस देखने को मिलेगी। डिवाइस को हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो इसके अलावा अगर चार्जर की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो चेंजिंग की गई है वो चार्जर में की गई है। चार्जर जो है इसके साथ वायरलेस दिया गया है। तो अगर चार्जर की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो चार्जर की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको करीब से दिखाते चलूँ, फुल वायरलेस चार्जर है और बहुत ज़बरदस्त है क्वालिटी वाइज। और इसके साथ एक अगर हमें एज़ यूजुअल मैनुअल भी चेक करने को मिलती है, तो इसको मैनुअल निकालते हैं और वो चेक करते हैं। मैनुअल में आपको यूज़र मैनुअल, यहाँ पर आपको एक वॉच बनी हुई देखने को मिलती है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट है की तरह खुलती जा रही है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी। ये वॉच का QR कोड है, मतलब जिस ऐप से वॉच कनेक्ट होती है उसका QR कोड है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बैक पर आपको चाइनीज़ में पढ़ने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए खैर इसको रखते हैं, अपने डिवाइस की तरफ आते हैं। और डिवाइस जो है कुछ इस तरीके से लुक दे रही है। तो चलिए इसके पहले मैं रखते हूँ, रिमूव करूँ थोड़ा सा, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ फिर चेक करवाता हूँ। वॉच की अगर फिनिशिंग और क्वालिटी की बात की जाए तो वो देखने में बहुत ज़बरदस्त मालूम होती है। यहाँ पर अगर बैक साइड पे बात की जाए, इसकी फिनिशिंग आप देखें कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपको नज़दीक से और दिखा सकूँ तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। बैक पे आपको कोई पोगो पिंस चेक करने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये वॉच जो है वायरलेस चार्जर से चार्ज होने वाली है, जो कि चार्जर इसका कुछ इस तरीके से, और जो देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। तो और अगर यहाँ बात करी जाए, इस साइड पे आपको दो स्पीकर देखने को मिलेंगे। और यहाँ बात करी जाए आपको, तो यहाँ पर आपको एक क्राउन बटन वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं जो वॉचेज अब आ रही हैं, उन सब में नीचे एक बटन आता है, लेकिन इधर इस वॉच में नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इधर माउथ पीस देखने को मिलने वाला है। और इस वॉच की जो सबसे बड़ी ख़ास बात है जो मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि ये बड़ी मतलब फुल साइज स्क्रीन में वॉच है। बहुत मेरे ख्याल में बहुत कम वॉचेज ही ऐसी देखने को मिलती हैं। तो चलिए मैं ऑन करता हूँ, फिर आपको रिव्यू चेक करवाता हूँ कि ये कितनी बड़ी इसकी स्क्रीन साइज़ है। देखिए वॉच ऑन हो चुकी है। वॉच के अगर स्क्रीन साइज़ की बात करी जाए तो देखिए फुल परफेक्ट है। तो चलिए मैं इसकी ज़रा टाइमिंग सेट कर लेता हूँ वॉच की। तो सबसे पहले हम इसकी वॉच फेसेस काउंट कर लेते हैं। ये 1 है 2 3 4। ये देखिए स्क्रीन साइज़ देखिए इसका कितना बड़ा है, और स्क्रीन बिल्कुल सेंटर में 5। अमूमन किसी वॉच में इस तरीके का स्क्रीन साइज़ नहीं मिलता देखने को। 6 7 8 9 देखिए 10। ये वाला बहुत ज़बरदस्त लग रहा है वॉच फेस, पहनने के बाद अलग ही लुक देगा। 11
टोटल इसमें 11 वॉच फेसेस हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी की जो पिक्चर चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसके इंटरफेस की बात करते हैं, तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसका स्क्रॉल देखते हैं वर्क करता है क्राउन के नहीं, ये देखिए इसका क्राउन बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है। और स्पीड देखिए आप कितना फास्ट भाग रहा है। तो चलिए अब इसके अगर ये चीज़ देखेंगे ये फास्ट है कि नहीं है इसमें, तो ये देखिए आप कितनी परफेक्ट है, बहुत स्मूथ आपको चेक करने को मिलेगी ये चीज़ इसकी। और इसके अंदर मेन्यू स्टाइल की अगर बात की जाए तो वो भी मैं आपको चेक करा दूँ। चलूँ डबल टैप करेंगे मेन्यू चेंज, अब आपको ये वाला मेन्यू इसमें देखने को मिलेगा जो कि कुछ नया है। और डबल टैप फिर मेन्यू चेंज, अब आपको कुछ इस तरीके से देख रहे हैं मेन्यू ये चेक करने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। डबल टैप फिर मेन्यू चेंज, अब देखिए आप ये मेन्यू की तो बात ही अलग है, काफ़ी खूबसूरत सा है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर, बड़ा मज़े का है। और अब ये वाला मेन्यू एक देखने को मिलेगा आप ये इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से फोकस होगा, फोकस जूम इन होगा जूम आउट होगा। और डबल टैप अब आपको जो मेन्यू इसका डबल टैप करने के बाद जो चेंज होता है मिलेगा वो लिस्ट स्टाइल में मिलेगा, ये देखिए। और फिर डबल टैप तो ये हमारे पास अपना जो एप्पल वॉच से मिलता जुलता सिमिलर सा जो इंटरफेस होता है वो आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इसके ऑप्शंस में आपको चेक कराते चलूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको टेलीफोन का ऑप्शन मिलने वाला है, अगर आपने कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन आपकी फ़ोन बुक जो है सिंक्रोनाइज होकर इस जगह पर आ जाएगी, कॉल रिकॉर्ड्स भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, आपकी कॉल रिकॉर्ड्स भी हो जाएंगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कॉल डायलर चेक करने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको कॉल लिस्ट, इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए तो ये कुछ ये शो कर रहा है, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्ड्स में ये देखने को मिलेगा लास्ट टाइम किसके कॉल आई थी, सारी डिटेल्स कॉल लॉग्स कह लें। और डेटा में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ चेक करने को मिलेगी, ये देखिए कि आपने आज कितने कैलरीज बर्न करी है, इसके अलावा कितना आप चलें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डेटा में चेक करने को मिलेंगी। और स्पोर्ट्स के फंक्शंस के हवाले से अगर बात करी जाए तो स्पोर्ट्स में बैक पे मैं आके आपको चेक कराऊँ सही से, स्पोर्ट्स में आपको वॉकिंग रनिंग साइकिलिंग बैडमिंटन रॉप स्कीपिंग बास्केटबॉल और फुटबॉल के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैं फुटबॉल ये देखें क्लिक करूँगा, यहाँ पर कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है ये सारी एक्यूरेसी के साथ बताएगा, पीछे इसके बैक पर सेंसर्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं लाइट वर्क कर रही है, लेकिन कोई भी वॉच में सेंसर्स में एक्यूरेसी नहीं होती, तो इस वॉच में भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। हार्ट रेट भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन इसकी भी कोई एक्यूरेसी नहीं होगी, ये अपने हिसाब से कुछ भी बता देगा। तो अब इसको भी आगे करते हैं। और इसके अलावा ईसीजी ये भी एक ऐसा ही ऑप्शन है, फेक ऑप्शन होता है, इसकी भी कोई एक्यूरेसी नहीं होती, बस अपनी तरफ से कुछ भी वो बता देगा। और मज़ीद आगे म्यूज़िक में आपको म्यूज़िक प्लेयर चेक करने को मिलने वाला है, वॉच क्योंकि कनेक्ट नहीं है फ़ोन से तो अभी यहाँ पर शो नहीं होने वाला। कोई स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है कि आपकी स्लीप भी मॉनिटर करेगा। देखिए वॉच को मैं आपको कितने करीब से दिखा रहा हूँ कि आपको वॉच की स्क्रीन साइज़ का खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कितनी बड़ी स्क्रीन साइज़ में बहुत कमी वॉचेस मेरे हिसाब से, तो मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वॉच होगी इस प्राइस रेंज में जिसमें हमें मिल रही है फुल साइज फुल स्क्रीन साइज़ में। इसके अलावा आपको स्टॉप वॉच यहाँ पर चेक करने को मिलेगी जो कुछ इस तरीके से वर्किंग करेगी, और स्टॉप वॉच के अलावा मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है, नहीं तो आप वेदर भी चेक कर सकते हैं इस वॉच में। यहाँ पर क्यूआर कोड भी आपको चेक करने को मिलेगा, जब आपको वॉच कनेक्ट करनी होगी तो सिंक्रोनाइज करने के साथ क्यूआर कोड भी आपको यहाँ पर चेक करने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कैलकुलेटर इसमें चेक करने को मिलेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और फाइंड फोन का ऑप्शन मिलता है चेक करने को, और इसके अलावा ये वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको
मेट्रियोलॉजिकल, ये कोई नया ऑप्शन है। अल्ट्रा वाइड रेस, एयर प्रेशर, खैर इनके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। और ब्रीथ चेक करने को मिलेगी उसके हवाले से, ये भी इसमें भी कोई बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन बस ऑप्शन है वो तो देने ही है शश के। तो बहरहाल बैक पे आते हैं और मैसेज में यहाँ पे आपको अपने चेक करने को मिलेंगे असिस्टेंट। खैर ये लेडी असिस्टेंट हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। मैन मैन्यू स्टाइल मैंने आपको पहले ही चेक करवा दिए हैं। सेटिंग्स में आपको लैंग्वेज सेट करने को मिलेगी, डायल स्विच देखने को, स्क्रीन टाइम जो आप रखना चाह रहे हैं, वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप क्या रखना चाह रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हो। इस वॉच में अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये ब्लू है, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है और ये ब्लैक। इसमें फोर कलर्स आपको चेक करने को मिलेंगे। ये इसमें ब्लू कलर है। इस वॉच की जो है ना बैटरी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी स्मार्ट वॉचेस की बैटरी टाइमिंग पूरे एक दिन भी नहीं होती, लेकिन इसकी वॉच की ख़ास बात ये है कि इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और ये आपको एक दिन से ज़्यादा निकाल के देगी। और ये ब्लू कलर देखिए कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है, और ब्लू कलर का भी बहुत ज़बरदस्त सा लुक आपको चेक करने को मिलने वाला है इस वॉच में। और मज़ीद कर बात करते हैं दूसरे कलर्स की, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इसमें इसका गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर भी बहुत ज़बरदस्त है ये देखिए, और मैट गोल्ड है ये देखिए। इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है। लाइट की वजह से, लाइट ज़्यादा होने की वजह से डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले क्वालिटी जो लाइट है वो हल्की शो हो रही है, लेकिन वॉच की जो क्वालिटी है और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है ये देखिए। इसका गोल्ड कलर बहुत मैट गोल्ड है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। पहनने के बाद इसका लुक ही अलग है। और इसका राइज टू अवेक का जो ऑप्शन है इस वॉच में बड़ा फास्ट काम करता है। इसी तरीके से ये इसका सिल्वर कलर है, मैं सिल्वर कलर आपको दिखाते चलूँगी। देखिए सिल्वर कलर की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है ये देखिए। वॉच की जो फिनिशिंग है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम वॉचेस में ऐसी फिनिशिंग देखने को मिलती है। देखिए इसको पहनने के बाद, वेयर करने के बाद इस वॉच का लुक ही अलग होता है। चलिए मैं इसको आपको वेयर करके भी चेक करवाता हूँ। ये देखिए वेयर करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलेगा वॉच का। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ये वॉच है और ये वायरलेस चार्जर है, और इसको हम चार्जर पे जैसे ही रखेंगे वॉच को आपको कुछ इस तरीके से शो होगा चार्जर। ये मैंने हटा दिया, ये मैंने इसको यहाँ पर रखा तो फौरन से चार्जिंग पिक कर लेगा। खैर ये मेरा पावर बैंक इतना चार्ज नहीं है, और ये नहीं है कि वॉच चार्ज हो रही है तो आप वर्क नहीं कर सकते, आप पूरा वर्क कर सकते हैं, वॉच अपना चार्ज होती रहेगी। तो जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू और लेटेस्ट स्मार्ट वॉचेस टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। और DT100 Pro Plus हमारे पास अवेलेबल है। जो लोग भी इसका ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वो हमें इंस्टा पे DM करके ऑर्डर अपना प्लेस करवा सकते हैं। इसमें फोर कलर्स आपको देखने को हैं, ब्लू, सिल्वर, गोल्ड एंड ब्लैक। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।